नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जाप हमारे धर्म में, सनातन धर्म में और धर्मों में भी एक ऐसा विधान है जिससे एक आम व्यक्ति बिना किसी नियम के देवता से जुड़ पाता है। सिर्फ इतना ही कारण नहीं है जाप के महत्व का, जाप का एक और महत्व ये है कि जो मान्यता है कि जब इंसान को बनाया गया तो भगवान ने एक मंत्र दिया, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। और ये एक मंत्र नहीं था, ये एक टारगेट था कि इंसान अपने अस्तित्व से बढ़कर उस ब्रह्म तक पहुंचे, और उसके बीच में कई लॉक्स लगाए गए, मतलब आपका शरीर पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो दिमागी और शारीरिक कसरत करनी चाहिए उसको, वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसको रोका गया है। ये रुकावट, ये लॉक्स कुछ खास मंत्र के वाइब्रेशन से खुलते हैं। ये जो मंत्र का वाइब्रेशन है, ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ में भी मदद करता है और मटेरियल लाइफ के ग्रोथ में भी मदद करता है। रोज कौन कौन सी जाप करनी चाहिए ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे जो साधक हैं उनको 5 बीज मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उसको सुबह में गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य नारायण को जल देना चाहिए, शाम में आद्य स्त्रोत का श्रवण करना चाहिए, और 7-7 बार जो भी मंत्र करते हैं वो करना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसे कई विषयों को मैं पहले आप लोगों के पास रख चुका हूँ, ठीक है। आज मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगा। ये 3 मंत्र की क्या खासियत है? इन 3 मंत्रों की खासियत है कि एक तो ये बड़े सहज मंत्र है, मतलब एक आम व्यक्ति को याद करने में इन मंत्रों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इनके पीछे कोई विधान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जब भी कोई मंत्र आप संस्कृत में सुनते हैं तो उस मंत्र के साथ एक विधान लगा होता है कि 9 दिन, 41 दिन, 21 दिन आप इसकी साधना करो, अमुक अमुक वस्तुओं से साधना करो तो ये मंत्र सिद्ध होगा, उसके बाद काम करेगा। ये एक ऐसा मंत्र है जो भैरव जी ने पार्वती जी को दी थी, मतलब 3ों मंत्र, और इसका काम है जन कल्याण का। मतलब अगर आपके मन में कोई इच्छा है, ठीक है, अब देखो इंसान है तो हर जीवन में, हर काल में, हर सेकंड उसकी एक इच्छा पूर्ति होती है तो उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो जो पुस्तक है, जो शास्त्र है, उसके हिसाब से इन मंत्रों का रोज जाप करना चाहिए। मतलब 3 मंत्र मैं दूंगा, 3ों में से कोई एक भी मंत्र का आप रोज जाप करो, सोते हुए जाप करो, उठते हुए जाप करो, है ना, 108 बार जाप करो अगर दिन भर जाप नहीं कर सकते। और सिर्फ जाप मात्र से आप कि जो भी इच्छाएं होंगी आपके मन में वो पूर्ति होगी। इन इच्छाओं में क्या ऐसा है जो कि नहीं पूर्ति होगा? जब आप किसी और के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो वो इच्छाएं जो हैं वो आपकी पूर्ति नहीं होंगी, ठीक है। आप अगर चाहोगे कि किसी और का अधिकार छीन ले, वो इन मंत्रों से नहीं होता है। दूसरा, अगर आप चाहोगे कि आपका कोई दायित्व किसी और को मिल जाए तो वो नहीं होने वाला। ये 2 चीजें इसमें नहीं होती है, ठीक है। जो पहला मंत्र है वो बहुत बहुत आसान मंत्र है। मंत्र है ओम नमो नमः। क्या है? ओम नमो नमः। अब ये मंत्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि इसका कुछ प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि जो जटिल चीजें हैं वो आप लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं। ये हर हर इंसान के साथ होता है, ये हर मनुष्य के साथ होता है कि जो चीज सरलता से मिल जाती है उस पर विश्वास नहीं होता है। तो पहला मंत्र जो आप दिन भर जाप कर सकते हैं वो है ओम नमो नमः। इस मंत्र को जाप करने से ये होगा कि मनवांछित जो आपके कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे, जो कार्यों में रुकावट आता है वो नहीं आएगा, और धन धान्य और जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो आपके जागृत होंगे। तो ओम नमः ये 3 शब्द का मंत्र है, इसका आप लोग दिन भर जाप कर सकते हैं। दूसरा कामद मंत्र इसको कहते हैं, मतलब कामना पूर्ति मंत्र, ठीक है। पहला जो मंत्र बोला उसको काम प्रदो बोलते हैं, ठीक है। तो कामद मंत्र है ओम द्रिम श्रिम सारसे सिद्धि करी क्रिम नमः स्वाहा, ठीक है। ये जो मंत्र है ये मंत्र
आपको आध्यात्म उतना नहीं देगा, लेकिन आप पे लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। मतलब जो लक्ष्मी के आने में जो रुकावट होती है वो नहीं होगी। तो कहीं भी बैठे हैं, देखो लक्ष्मी का जो जाप होता है ना वो रात्रि में होता है, तो मैं जिसको लक्ष्मी का विधान बताता भी हूँ उसको बताता हूँ कि आप जब रात्रि में बिस्तर पे शयन करने जाएं उस समय लक्ष्मी का जाप करें, ठीक है? तो लक्ष्मी का जाप रात में करें। अगर आप एक ही बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, तो एक बार जहाँ पर जाप करना है और एक बार जब आपका कार्यस्थल है वहाँ पर इसका जाप करें। क्या मंत्र है? मंत्र है ओम द्रिम श्रिम सार से सिद्ध करी कृम नमः स्वाहा। इस मंत्र को कोशिश करना चाहिए कि 1 लाख जाप कर ले। 1 लाख जाप करने से इसका फल ज्यादा मिलता है, लेकिन जब आप पहला जाप करोगे तब से ही इसका फल मिलना आप लोगों को चालू हो जाता है, ठीक है? और इस मंत्र का जाप करने के बाद भगवती को कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। हाँ, भगवती को लाल फूल काफी पसंद है। भगवती का मंत्र इच्छा पूर्ति के लिए आप साधना कर रहे हैं तो भगवती को कनेर का फूल चढ़ाए। ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चढ़ाने से अच्छा लाभ होता है। मंत्र एक बार फिर सुनिए, ओम द्रिम श्रिम सार से सिद्ध करी कृम नमः स्वाहा, ठीक है? इसके अलावा एक मंत्र और है, अगर किसी चीज को पाने में की बहुत हड़बड़ी है, ठीक है, बहुत जल्दी है, और ये मंत्र रोज जाप नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज मन वांछित फल को समय पे नहीं मिला तो वो बेकार हो जाए, ऐसा कोई कार्य है जिसका सिद्ध होना जरूरी है, तो उस स्थिति में आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है? मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय चंडेश्वराय हुम फट स्वाहा। कोई अगर कार्य का मन में संकल्प है कि ये टेंडर मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, या ये इस व्यक्ति से मेरा संबंध सुधरना चाहिए, तो बस मन में ये भावना लेके रुद्र को प्रणाम करके इस मंत्र को आपको जापना है। ओम नमो भगवते रुद्राय चंडेश्वराय हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय चंडेश्वराय हुम फट स्वाहा। अब देखो ये जितने भी मंत्र मैंने बताए इसमें मैंने और कोई जाप विधान नहीं बताया। मतलब मैंने आपको ये नहीं बताया है इन मंत्रों में कि आपको कौन सी माला का प्रयोग करना है। मैंने आपको ये नहीं बताया है कि आप कौन से वस्त्र पहनेंगे। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कौन सी दिशा रहेगी। इसका कारण ये है कि ये जाप आपको बिना किसी भी आडंबर के, सिर्फ जिस इष्ट का मंत्र कर रहे हैं, जिस काम सिद्धि के लिए आप इस मंत्र को कर रहे हैं, जो कामना आपकी पूर्ति होनी है उस पे 100% आपका ध्यान होना चाहिए। ना कि माला पर, ना कि दिशा पर, ना कि किसी मूर्ति पर, ना किसी तस्वीर पर, ठीक है? ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे विधान हैं जो कि आपको तंत्र शास्त्र में, जो शिव पार्वती संवाद है, भैरव पार्वती संवाद है, भैरव भैरवी संवाद है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कल्प हैं, ऐसे तंत्र विधान हैं जो कि आम जीवन को बहुत सहज कर देते हैं। ये जो तंत्रोक्तर विधान है, इसके अलावा जो पहले भी आप लोगों को विषय मैंने बता रखा है कि सूर्य नारायण को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें, गणपति का जाप करें, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ये चारों रूप का जाप करें, विष्णु में चाहे आप नरसिंह का जाप करें या कृष्ण का जाप करें या राम का जाप करें, किसी एक स्वरूप का जाप करें, महादेव का जाप करें, ठीक है, गणपति का जाप करें, गुरु का जाप करें और भैरव का जाप करें, क्योंकि भैरव के जाप के बिना शक्ति नहीं जागृत होती है। तो आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके साधना का जो प्रारंभिक विधान है वो सीखना है, वो 9431188585 इस नंबर पर जुड़कर मुझसे साधना सीख सकता है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप, इसमें रुद्रनाथ @cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए www.aghortantrahasya.com इस पर भी आप जा सकते हैं, इस पर बहुत सारे लेख मेरे अपने आने वाले हैं।
आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी को सुरक्षा दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।